इंदौर जिले के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में दूर दूर से लोग भगवान गणेश के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं लंबोदर के परिवार के लिए बनवाए गए हीरे और मोतियों से जड़े रजत वस्त्र जो कि 4 महीने में तैयार किए गए हैं, जिसे शनिवार को सभी भक्तों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पहनाए जाएंगे। कार्य करने से पहले जैसे कि हम श्री गणेश की पूजा करते हैं, श्री गणेश करते हैं, उसी तरह हम लोग अभी खजराना गणेश मंदिर में मौजूद है। पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। अभी एक नई खबर सुनने में आई है कि श्री गणेश की एक पोशाक बनने के लिए, श्री गणेश की पूरी फैमिली के लिए एक पोशाक बनने के लिए महीनों लगे हैं। कितने महीने लगे हैं और कितने में ये पोशाक तैयार हुई है, इस चीज़ की खासियत और किस क्या खासियत है इस पोशाक में, ये बताने के लिए हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या क्या खासियत है इस पोशाक में? जो भगवान गणेश की जो पोशाक बनाई गई है वो पूरे परिवार की पोशाक है और वो पूरी चांदी की पोशाक है और उसमें हीरे के नग जड़े हुए हैं और बहुत ही सुंदर सब परिवार के लिए जो पोशाक बनाई गई है वो प्योर चांदी की इसमें बनाई गई है और उसमें हीरे की जड़त की गई है, तो बहुत सुंदर पोशाक है जिस तो कल धारण की जाएगी शुभ लाभ के जन्मोत्सव पर। ये पोशाक जैसे कि हमें सूत्रों से पता चला है कि ये पोशाक शायद कल यानी कि शनिवार को पहनाई जाएगी, तो इसका समय क्या रहेगा और आगमन के लिए आप भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? भगवान जो शुभ लाभ के जब स्थापना हुई थी तो अवधेशानंद जी जो है उनके द्वारा इनकी स्थापना की गई है और जो शर्मा परिवार है आशुतोष शर्मा परिवार वो उस परिवार को ये यहाँ बिठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो 10 वर्ष हो गए और उन्होंने उनके द्वारा ही ये जो चांदी का वस्त्र पूरे सब परिवार को हीरे के लगे हुए हैं और उसमें बहुत सुंदर पोशाक को जो धारण किया जाएगा, तो ये उसी उपलक्ष्य में 30 तारीख की जिस दिन उनकी जन्मतिथि है उसी उपलक्ष्य में भगवान गणेश को चांदी के वस्त्र पहनाए जाएंगे जिसमें हीरे जड़े हुए हैं और बहुत ही सुंदर बनाई गई है पोशाक।